आज हम बनाएंगे मलीदा, जो घर में आपकी रोटी से, घर के सामान से तैयार हो सकता है, बहुत टेस्टी होता है, इसे बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं और बूढ़े घर के जो ज़ईफ हैं, जो उनको तो बहुत ही पसंद आता है। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, चलिए बनाना हम शुरू करते हैं। मलीदा बनाने के लिए हमने आटा नरम नरम गूंद लिया है। इसकी हम बनाएंगे चपाती, छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे इस तरह से। चलिए दो तीन ही बनाएंगे, इस तरह से हम इसकी लोई बना लेंगे। लोई जो है थोड़ी ऐसे दबा देंगे, उसके बाद इसको थोड़ा ऐसे इस तरह से करेंगे, इस तरह करके इस तरह से बेलेंगे इसको। हम इसकी चपाती पतली पतली बना लेंगे, इतनी पतली चपाती होगी उतने अच्छा मलीदा बनेगा। एक लोहे के तवे पे हमने डाल दिया है, इतना साइज का तवा था। बाकी सेक लिया, बस ये रोटी तैयार है हमारी। रोटी हमारी ठंडी हो रही है, तक हम ये ड्राई फ्रूट्स काट लेते हैं, बादाम, नारियल, किशमिश, आपके पास जो फ्रूट्स हो वो डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए इतनी छोटी छोटी रोटी, हम इसको तोड़ लेंगे मलीदा बनाने के लिए। पहले जो है पुराने जमाने में बुढ़े लोग जो ज़ईफ होते थे, इनके दांत कमजोर या चबाने में तकलीफ होती थी, उनके लिए मलीदा तैयार किया जाता था। अब लेकिन जो है लोग खाने के लिए ऐसे भी बनाते हैं, शौकिया भी, तो चलिए इस तरह से बनाते हैं। इस मलीदा जो है कई तरह से तैयार किया जाता है, शिरमाल से, रोटी से, पराठे से, पूरी से, हर चीज का मलीदा तैयार होता है। हम यहाँ दो तरह का मलीदा तैयार करेंगे, एक तो ये रोटी हो गई, घर में चपाती बनाई इसकी हो गई, और हम शिरमाल दोनों मिक्स करके बनाएंगे। इस तरह से सारी रोटी को हम तोड़ लेंगे। ये रोटी हमने महीन महीन तोड़ ली है, इसको शिरमाल भी इसी तरह से हमें तोड़ लिया है। चाहे तो हम दो अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम एक बॉल लेंगे और हम इसको दोनों को एक साथ बनाएंगे। इसका कलरफुल भी होगा और साथ में इसका जायका भी डबल हो जाएगा। तो हम ये दो एक ही में करके बनाएंगे, इस तरह से मैश कर लेंगे। अब हमने ये जो ड्राई फ्रूट्स काटे हैं सब ये मिक्स कर देंगे इसी में। हम इसको ऐसे मिक्स कर देंगे अच्छे से, नीचे। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे, शक्कर आप अपने जायके के हिसाब से मिलाइएगा, जितना कम ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हो। मलीदा बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी होता है और बनाना भी बहुत आसान होता है। इसमें थोड़ा देसी घी भी हम इसी में ऐड कर देंगे। और अगर आपको जस्ट फौरन ही खाना है तो इसमें आप दूध का इस्तेमाल करिए, वरना इसमें पानी का इस्तेमाल करिए तो वो थोड़ा रुक जाएगा आपका। तो हम इसमें फौरन यूज करना है, इसलिए हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे, फिर इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हम इसमें दूध और ऐड कर देंगे। दूध हमेशा गुनगुना डालिएगा, ठंडा मत डालिएगा। ये लीजिए हमारा डिलीशियस, वेरी टेस्टी, बहुत लजीज। ये देखिए हमारा मलीदा बनके तैयार हो गया मिनटों में, घर के सामान से कुछ नहीं, आसानी से बनना है ये। लीजिए तैयार है। आप अगर चाहें तो सिर्फ रोटी से भी मलीदा तैयार कर सकते हैं, खाली शिरमाल से भी तैयार कर सकते हैं, और ड्राई फ्रूट्स अगर डालना चाहें तो डालें, ना डालें तो खाली रोटी, घी, देसी और दूध से भी मलीदा तैयार हो सकता है ऐसे इसी तरह से।